राजस्थान सरकार ने वर्तमान कार्यकाल का अपना अंतिम बजट 10 फरवरी को पेश किया है। इस बजट को बेहतरीन और सभी वर्ग के लिए शानदार बताते हुए अजमेर कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। इस मौके पर कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी करते हुए आम जनता को भी मिठाई खिलाई। ज्योतिबा फुले सर्किट पर यह आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व विधायक डॉ. राजकुमार राजपाल के साथ ही कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। उन्होंने कहा कि यह बजट आम जनता के लिए बचत, बढ़त और राहत वाला है। विभिन्न योजनाओं का लाभ जनता को मिल रहा है और उन्हें और बेहतर किया गया है। साथ ही हर वर्ग को छूने का प्रयास इस दौरान किया गया और मुख्यमंत्री ने जमकर इस बजट के दौरान राहत प्रदान की है। ऐसे में सभी कांग्रेस पदाधिकारियों ने उनका आभार भी जताया है। देखिए, जो राजस्थान का बजट कल आया है, उसमें वास्तव में पूरे देश के अंदर एक मिसाल पेश की है और आम जनता को समर्पित ये बजट रहा है। जिस तरह से जो चिरंजीवी योजना था, जिसमें 25 लाख रुपए तक का बीमा मरीजों के लिए किया गया है, पहले से निशुल्क दवा वितरण योजना चल रही थी, लेकिन अशोक गहलोत जी ने उसका दायरा बढ़ा करके 10 लाख से 25 लाख रुपए कर दिया है चिरंजीवी योजना का, और जो 5 लाख रुपए का जो दुर्घटना बीमा था उसको 10 लाख रुपए किया गया है। इसके अलावा बिजली के 100 यूनिट तक घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली फ्री की गई है, और जो किसानों को जो बिजली दी जा रही है उसका भी 2000 यूनिट तक बिजली फ्री की गई है। इस तरह का तोहफा पूरे राजस्थान के अलावा किसी भी अन्य राज्य में नहीं है। महिलाओं के चाहे किराए की बात करें तो अजमेर के अंदर जो दरगाह और पुष्कर में जो भी श्रद्धालु आएंगे पुष्कर मेले में, दरगाह मेले में, उनके भी किराए में आधी छूट है। महिलाओं को बसों के अंदर रोडवेज में 50% की छूट दी है किराए के अंदर, और स्कूलें जो कर्मोन्नत करने की बात है, 1000 नई रोडवेजें चलाने की है, और अजमेर के अंदर भी करीब 100 करोड़ रुपए का जो सेंटर एग्जीक्यूटिव जो सेंटर पुष्कर में बन रहा है। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो नशा मुक्ति केंद्र भी बनाने की है, जेएलएन हॉस्पिटल के अंदर जितने भी 100 सेंटर थे जिनकी कमी थी जेएलएन के अंदर, उनमें भी करोड़ों रुपए का बजट जारी किया है, और अजमेर के सड़कों के लिए करीब 233 करोड़ से ज़्यादा अजमेर जिले में सड़कें बनाई जा रही है। इसके अलावा करोड़ों रुपए का बजट पूरे राजस्थान में दिया है, तो ये बहुत ऐतिहासिक बजट है। और वृद्धावस्था पेंशन जो पहले 500 रुपए थी उसको 1000 रुपए, मिनिमम 1000 रुपए, और प्रतिवर्ष 15% की बढ़ोतरी की है। तो इस प्रकार से हर साल जो 1000 रुपए जिनकी पेंशन थी उनकी 150 रुपए करीब पेंशन प्रतिवर्ष बढ़ेगी, तो जो वृद्धजनों को भी बहुत बड़ी राहत दी है। युवाओं के लिए विशेष युवा नीति बनाई है जिसमें 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है, और युवा हॉस्टल जो विवेकानंद हॉस्टल प्रत्येक जिला मुख्यालयों पर बनेंगे। प्रत्येक जिला मुख्यालयों पर वेद विद्यालय की खोलने की बात करी है, जिसमें अलग अलग तरह का जो इंग्लिश मीडियम जो स्कूल है खोल रहे हैं उनकी संख्या बढ़ाई है। आज हमने सब लोगों ने यहाँ पर मिलकर के जो राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह का बजट पेश किया उनको लेकर के, और हमारे धर्मेंद्र राठौड़ जी जो हमारे आरटीडीसी के चेयरमैन है, उनका भी 1000 से बढ़ा करके 15000 करोड़ रुपए का बजट पर्यटन के लिए किया है। तो क्योंकि अजमेर पर्यटन की दृष्टि से भी विशेष स्थान रखता है, इसको लेकर के डॉक्टर राजकुमार जयपाल जी हमारे पूर्व विधायक है, उनके नेतृत्व में सभी कांग्रेसी सभी पार्षदों ने मिलकर के हम सब लोग आज खुशी का इजहार कर रहे हैं, और राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। राजस्थान सरकार का कल ऐतिहासिक बजट रहा। राजस्थान सरकार ने किसानों को, मजदूरों को, युवाओं को, बेरोजगारों को, महिलाओं को, हर वर्ग को कुछ न कुछ दिया है। इस बजट की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है, और हर घर में 100 यूनिट बिजली मुफ्त देना अपने आप में एक ऐतिहासिक बात है, और भी कई ऐतिहासिक कदम उठाए, जितनी इस बजट की प्रशंसा की जाए उतनी कम। आज आपने क्या किया? आज हमने इस बजट की खुशी में यह आतिशबाजी की है और सभी कांग्रेसजन उसमें मौजूद थे।